Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with stats chapter number 1 index number, and today we are going to start exercise 1.3. okay, now exercise 1.3 start karne se pehle usme jo aane wale formulas hai wo samajh lete hain, right? So that aapko easy rahega kis tarah use karna hai, right? Let's see. Agar aap dekhe to first, this is the general index number use किया है. General index number sigma I W upon sigma W. अब ये क्या है? Weighted mean का है, right? ये क्यों लाया है? क्योंकि क्या है? हम लोग जो index number find out करते हैं हर quantity, हर item का या things का, हर things का जो valuation है वो same नहीं होता, right? जैसे rice ले लो, that is food grain में आ जाएगा. Cloth, that is the, तो उसका जो utility है अलग अलग होता है, that is called weighted, right? Weightage. अब ये जो है, ये चीज अगर हम देखो तो barter system से शुरू हुआ था. Barter system का failure भी इस weightage के कारण ही हुआ था, right? तो ये जो weighted mean है ये important है. तो हर item का एक अलग valuation होता है, मतलब उसको weight बोलते हम लोग. तो this is weightage mean. तो this is general index number with weighted mean. तो I is equal to sigma IW अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, राइट? दिस इज द थिंग. तो और उसके बाद जब लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर आया, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर में यही वेटेड मीन को उन्होंने क्या है, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो में लिया. पी जीरो क्यू जीरो मतलब प्राइस ऑफ द लास्ट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द लास्ट ईयर, राइट? तो ये जो चीज है, ये वेटेड मीन को उन्होंने कंसिडर किया किसके रिलेटिव, रिलेटिव प्राइस पी वन अपॉन क्यू जीरो के. तो सिग्मा पी वन अपन क्यू जीरो के वेटेड मीन का उन्होंने लिया पी जीरो क्यू जीरो, राइट? तो अगर ये वाला फॉर्मूला लास्ट पेयर्स का इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट, फॉर फाइंडिंग आउट लास्ट पेयर्स नंबर. तो सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, राइट? अब ये चीज के बाद जब इन्होंने पैस्टर्स इंडेक्स नंबर वो लेके आया है, वो उनका है कहना ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग क्वांटिटी क्यू जीरो ऑफ लास्ट ईयर, यू शुड टेक क्यू वन, राइट? वेटेड मीन में क्या लेना है, क्यू वन लेना चाहिए. तो अगर ये देखो तो ई केम आउट विथ सिग्मा पी वन क्यू वन क्या है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, राइट? एवरेज ऑफ पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100, ये दोनों चीज़ें. अब ये दोनों के कुछ लिमिटेशंस थे और ये दोनों का यूटिलिटी भी अच्छा था, तब फिशर्स इंडेक्स नंबर आया. फिशर्स ने ये सोचा कि अगर मैं ये दोनों को कंबाइन लूँ, राइट, दोनों को यूज़ करूँ, तो उन्होंने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला और ज्योमेट्रिक मीन से उनको मिला आई एफ इजिकल टू आई एल इंटू आई पी, स्क्वायर रूट ऑफ आई एल इंटू आई पी, एंड दैट्स वे ही केम आउट विथ सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, दैट इज आई एल, और पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू वन और इंटू 100, राइट? तो दिस वे ही केम आउट विथ फिशर्स इंडेक्स नंबर. अंडरस्टूड? तो ये जो चार चीज है, ये चार फॉर्मूला है, ये यूज होगा 1.3 में और आने वाले एक्सरसाइज में, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड, इसे गो थ्रू कर लो, राइट, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज एज फॉलोस, फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट, राइट? नाउ आइटम्स दिया है ए बी सी डी एफ तक, वेट 5, 10, 10, 30, 20, 25 और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दिया है, बराबर 290, 315, 280, 300, 315 एंड 320. नाउ लेट्स सी. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे परसेंटेज रिलेटिव दिया है और वेटेड मीन दिया है, तो पहले इसका सिग्मा डब्ल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू 15, 25, 25, 30 कितना हो जाएगा 55, 55 और ये 75 और ये 100, राइट? दिस इज द थिंग. और अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते जाइए, 290, 1450, 10 से तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? वापस ये 10 से तो 2800, फिर उसके बाद ये 9000, राइट? और फिर उसके बाद 6300 और फिर 8000, राइट? अब इसका सिग्मा आई डब्ल्यू ये क्या आएगा, 8000 प्लस
प्लस 2800 3150 फिर 1450 दैट इज 30700। ओके नाउ I इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू राइट दैट इज जनरल इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन आई डब्ल्यू कितना आएगा 3700 अपॉन 100 दैट इज 307। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये परसेंटेज में है तो 307 माइनस 100 इज इक्वल टू 207% 207% इज इंक्रीज्ड इन एक्सपेंडिचर ओके बस इतना लिखना है ओके 207% इंक्रीज है राइट तो दिस इज द थिंग आपको ये लिखना है ओके आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन ओवर सेकंड में जाते हैं चलिए ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू द इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्स डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन द फर्नीचर आइटम्स इज एज फॉलोस फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 एंड इंटरप्रेट इट ओके नाउ सो स्टूडेंट्स यहां आइटम्स दिए हैं ए टू एफ तक फिर उसका वेट दिया है और 2014 का प्राइस दिया फर्नीचर आइटम्स का और 2014 को हम पी जीरो लेंगे बराबर और P1 को हम करंट ईयर में लेंगे राइट तो नाउ इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू रिलेटिव प्राइस क्या है P1 अपॉन P0 इनटू 100 लेट अस सी फिर 140 और 125 और 120 फिर 24 और 16 दैट इज 150 ओके नाउ ये आई डब्ल्यू ये और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए चलो 80 1360 ओके फिर उसके बाद 1800 3080 फिर 16 × 5 2000 फिर 1440 2700 राइट अब ये सिग्मा आई डब्ल्यू कर दो क्या आएगा 2700 1440 फिर 2000 फिर 3080 1800 1360 12380 राइट नाउ आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू ये कितना है अगर आप देखें तो 100 राइट सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू 100 तो ये 12380 अपॉन 100 तो कितना आएगा 123.80 राइट तो अगर ये देखें तो इसका अगर इंटरप्रिटेशन करें तो लास्ट ईयर के 2014 के कंपैरिजन में देखो तो 123.80 माइनस 100 दैट इज 23.80% इंक्रीज है इंक्रीज इन प्राइस
of the furniture. Okay, this is the interpretation. I hope you understood. Okay, chalo, let's go to the next sum. Okay, students, question number 3. Find the last pairs, pastures and fishers for index numbers for the year 2015 with the base year 2014 using the following information, right? Now 2014 or 15 के quantity और price दिया हुआ है और right, अब quantity 2014 का होगा Q0, price होगा P0, 2015 current year हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q1 और P1, right? Now let's see. ओके तो नाउ ये सारा दिया हुआ है हमको, खाली ये सारे जो है हमको लास्ट पेयर्स पास्चर्स और फिशर फार्मूला में काम आएगा, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं सो दैट आपको इजी रहेगा, राइट. फर्स्ट वन है P1Q0, राइट. P1Q0 ये लेट्स सी, ओके, P0Q0, right? तो ये 1520, 300, फिर 20 × 10, 200, फिर 26.50 मतलब 265, ओके, फिर उसके बाद 24.80 इंटू 6, 148.8, ये सिग्मा लिख दीजिए, ये आ जाएगा, राइट. ओके नाउ पहला वाला 360 प्लस 312.5 प्लस 295 प्लस 180 प्लस 375 प्लस 518.4 2040 9, राइट. अब ये आएगा 300, 200, 265, 148.8, 318.75, 378, 1610, 55, राइट. अब ये आएगा 0.25, 630, दैट इज 250715, ओके, राइट. नाउ ये सारा चीज हम कहाँ यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इनके फॉर्मूला में, ओके. लेट्स नाउ ये फॉर्मूला है, राइट. तो अभी इसका वैल्यू लगाते हैं और हमने ऑलरेडी उसका समेशन फाइंड कर दिया है. लेट्स सी P1Q0 कितना आया है. P1Q0 2040 अपॉन 0.90 अपॉन P0Q0 1610 0.55 इंटू 100, राइट. लेट्स सी 2040 0.90 टू 100 is equal to divided by 61
0.55 कितना आएगा 126.72 ओके नेक्स्ट आई पी सो पी वन क्यू वन 3180.25 अपॉन 2507.15 राइट लेट्स सी इनटू 100 126.85 राइट अब ये फॉर्मूला यहाँ लगा देना है दैट्स राइट लेट्स सी राइट ये आई एल 126.72 इंटू 126.85 और इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं 126.72 इंटू 126.85 इक्वल टू और इसका है वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन एट ये हमारा आंसर राइट बस आई होप यू अंडरस्टूड आप भी कर लो ये वाला सम और फिर टैली कर देना राइट ओके स्टूडेंट्स हमने आज फॉर्मूलाज देखे राइट और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, और 3 किया है राइट तो बाय फॉर द डे तो नेक्स्ट जो 4, 5, 6 है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और प्लीज़ शेयर द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बाय